नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी प्रोग्राम की टीम पहुंची है मुंबई, जहां पे हमने ये वादा किया था कि हम मुंबई वासियों से जानेंगे कि वो हकीम साहब से कैसे जुड़े, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे वो अपना रहे हैं, कौन से रोग से वो ग्रसित थे और कैसे वो अब खुद को फिट और फाइन महसूस करते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पहुँचे थे, करनाल पहुँचे, हरियाणा पहुँचे, लखनऊ में गए और अब हम मुंबई में हैं, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करते हैं? अच्छा, मेरा उम्र 64 है। मेरे घर में मेरी बीवी है, दो बच्चे हैं और मैं रीटा आदमी हूँ, अभी घर में हूँ जी। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े और आपको क्या कुछ बीमारी थी? हकीम साहब से मुझे लीवर का प्रॉब्लम होने लगा, कैसेस वगैरह होते थे और ऊपर चढ़ते थे और सिर एकदम जाम होता था पूरा। मैं डेली में टीवी देखता हूँ ना, तो हकीम साहब के सेहत और जिंदगी में देखना चालू किया था और उसमें बताते थे हर एक बीमारी के नुस्खे वगैरह बताते थे। तो मुझे लगा चलो आज वही चैनल लगाएंगे और देखना चालू करेंगे। तो उसमें वो अपना लीवर के बारे में उसने बताया था, ऐसे ऐसे नुस्खे है, जैसे जीरा है, बड़ी शप है और दो तीन चीजें अदरक है वो नुस्खे मैं देखता था और थोड़े थोड़े यूज भी करता था। उसमें क्या हुआ, थोड़े थोड़े दिन मुझे अच्छा लगा, गैसेस वगैरह थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो मैं सोचा था कि चलो यूनानी भी से ज्वाइंट हो जाएगी। तो सर, आपको जो तकलीफ थी वो हकीम साहब से जुड़ के क्या ठीक हो गई है? हाँ, मेरी ठीक हो गई है जुड़ के। जी जी, आपने कौन सा नुस्खा अपनाया था, कौन सी मेडिसिन खाई थी आपने? मैं ये अदरक, बड़ी साहब और ये अजवाइन वगैरह खाते थे डेली, वो चालू था और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिनिक में ज्वाइन किया यूनानी में जी। तो उसमें डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले आपको लीवर का प्रॉब्लम है, गैसेस वगैरह है, इसके लिए आपको पी केयर नाम की दवा है वो देना चालू किए थे। और वो पहले 15 दिन तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा जी। हाँ, और मैं अभी 3-4 महीने खा रहा था उसमें और अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो यही दवा चालू रखेंगे जी। हाँ, तो सर आप जब यूनानी की तरफ गए, आपने जब घरेलू नुस्खे अपनाए तो आपको ये नहीं लगा कि ये तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं इतना इंतजार कैसे कर लूं? ऐसा तो नहीं लगा, मेरे को विश्वास हो गया कि जी ये नुस्खा अच्छा है, आगे यूज करेंगे तो और तबीयत अच्छी हो जाएगी। क्या आपने और लोगों तक भी ये नुस्खे पहुँचाए, हकीम साहब जो बताते हैं और लोगों की भी आपने मदद की है? अच्छा, क्या होता है कि आदमी को विश्वास मानता है। हाँ। विश्वास के द्वारा आदमी आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। 4-5 दिन मैं 2-3 दिन से मिला दोनों को और उसने बताया, उनको यूनानी के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया। तो आपने उन्हें बताया, हकीम साहब के नुस्खे भी बना के क्या आपने दिए उन्हें? नहीं नहीं, दवाई आपने उन्हें बताई जो हकीम साहब बताते हैं? मैंने खुद ने बताई उनको। हाँ हाँ। और उसने भी यूज किया नुस्खे वगैरह। तो कौन सी दवाई बताई थी आपने? पी केयर बताई थी पेट के लिए। पेट के लिए। तो उनका पेट अभी ठीक है? वो ठीक है उनका जी। तो पहले और अब में आपको अपनी हेल्थ में कितना फर्क दिखता है सर? पहले बहुत थोड़ा हेल्दी नहीं था, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया। थोड़ा थकान भी नहीं आती है, मेरे जो रिपोर्ट वगैरह अच्छे आते हैं पहले से। जैसे गर्म चीज वगैरह कुछ खाता था, अखरोट वगैरह, मेरे को तकलीफ होता था जी, तो अभी नहीं हो रहा है। हकीम साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? हकीम साहब के लिए बहुत
भगवान हम बोल रहे हैं, मेरे लिए भगवान है वो। जी 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 सर बोलिए, जितना आप हकीम साहब के लिए कहना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। वो आपको सुन रहे हैं, आप उन तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनके वजह से आज मेरी तबीयत भी अच्छी है और मैं सेहतमंद हूँ। जी बिल्कुल सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से और सेहत और ज़िंदगी और हकीम साहब की तरफ से यही दुआ है कि जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाए आप और ज़्यादा सेहतमंद होते जाए। अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, अभी आपने सुना जयप्रकाश जी से कि वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए हैं और अब वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा खुद को महसूस करते हैं और बहुत सारे लोगों तक भी उन्होंने हकीम साहब के नुस्खे पहुँचाए हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप भी घरेलू नुस्खे यूनानी ट्रीटमेंट अपनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आपके किसी भी रोग का निवारण जड़ से होता है। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।